I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव. मैं विकास, आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल BGR Blocks में. दर्शकों, आज मैं आपको धरती पर स्वर्ग दिखाने वाला हूँ. आप कहेंगे स्वर्ग कैसे? आज मैं दोस्तों इस वक्त अवेलेबल हूँ नॉर्थ सिक्किम में. सिक्किम का ये समझ लीजिए एकदम स्वर्ग है. तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये लाचेन करके एक जगह पड़ती है नॉर्थ सिक्किम में. और बताना चाहूँगा कि इतनी ज़बरदस्त जगह है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना जो एटमॉस्फियर है यहाँ का एकदम अलग है. अभी हम लोग इससे पहले नाथुला पास गए थे, वो थोड़ी सी जगह जो है वो थोड़ी हेक्टिक हो गई थी. हेक्टिक इसलिए हो गई थी कि वहाँ पर थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. जगह वो भी हाइट पर थी, मतलब ऐसा नहीं है कि 14,000 कुछ फीट वो भी था. और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भी लगभग आपका 11,000 फीट से ऊपर है. ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को मतलब पार करते हुए हम लोग आज जो जिस जगह पे आ गए, ये इतनी खूबसूरत जगह है. रास्ता भी इसका इतना ज़बरदस्त है, खूबसूरत है. और जो बाकी चीज़ें वो भी इतनी ज़बरदस्त है. अभी मैं आपको लेके चलूँगा काला पत्थर और आगे की जो चीज़ें वो दिखाऊँगा. तो सारी आप जर्नी में हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा. आधा अधूरा मत देखेंगे तो आप हंसीवादियाँ नहीं देख पाएंगे. ठीक है, चलिए दोस्तों आज की ज़बरदस्त वीडियो हम लोग बढ़ते हैं आगे और मैं आपको आगे की जो चीज़ें वो दिखाता हूँ और बताता हूँ. ये देखिए एकदम ज़बरदस्त जो सीन है दोस्तों. मेरी इच्छा थी कि हमारा होटल ये वाला होना चाहिए था क्योंकि मुझे काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है. पैंगचेन मेटोक होटल का नाम है, रेस्टोरेंट है, बार है, रूम है, सब कुछ है. और हम लोग का होटल वैसे ये है, ये वाला. इसका नाम है लासार वैली. ठीक है, ये जगह का नाम दोस्तों लाचेन पड़ता है. यहाँ के घर देखिए आप कितने खूबसूरत हैं. और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुकिए आगे चल के. दोस्तों जगह जो है वो छोटी सी है लेकिन है बड़ी खूबसूरत. मतलब इसका आप नज़ारा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है. ये देखिए ये, और ये देखिए यहाँ पे ड्रैगन शेप में यहाँ पे घर बने हुए हैं ड्रैगन शेप में. स्टेट बैंक का ATM भी है, होटल विंस पीक SBI का ATM है यहाँ पर. ये देखिए स्टेट बैंक लाचेन शाखा, लाचेन ये दोस्तों नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है. एकदम ज़बरदस्त देखिए, सुबह सुबह दुकान खुल गई है. और यहाँ की दुकानों में आप देखिए एक खास चीज़ को दिखाता हूँ मैं. यहाँ पर परचून की दुकान पर आपको वाइन बियर जो आप चाहे ले सकते हैं. बहुत ही मतलब यहाँ पे आप ड्रिंक कर सकते हैं. बस ये नहीं है कि मतलब अब जैसे क्या होता है कि यूपी बिहार में लोग पी के लगते हैं फैलने, तो यहाँ पे अगर आप फैलेंगे तो यहाँ के बंदे जो है आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे और बहुत तगड़ा जुर्माना है. अगर आप मतलब सही से नहीं रहते हैं, यहाँ बदमाशी करते हैं, तुरंत बहुत तगड़ा जुर्माना है दोस्तों. 10 रुपये यहाँ पे मतलब बाथरूम का चार्ज है. ठीक है, 10 रुपये से नीचे कहीं पूरे नॉर्थ सिक्किम में कहीं मतलब आपको सस्ता नहीं मिलेगा. दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर जो कल्चर है बहुत ओपन कल्चर है. मतलब लोग किसी चीज़ में शर्माते नहीं है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है लड़की लड़के का, बहुत ही ओपन कल्चर है. ये देखिए होटल कितना सुंदर है, द ग्रैंड लाचेन. और ये देखिए यहाँ पर जो बौद्ध वाले रहते हैं
उनका पूरा ये लगा हुआ है। जगह दोस्तों एकदम गजब की है, ये देखिए। और ये देखिए सुबह सुबह एक जन एक गाड़ी निकल रही है, फॉर्चुनर लेके आए हैं यूपी से, लखनऊ से। हाँ ऐसा लखनऊ से गाड़ी आ गई। यूपी 32 फॉर्चुनर लखनऊ। ये देखिए दोस्तों मैं आ गया लाचेन में। तो दर्शकों ये देखिए ये हमारी गाड़ी है, इसी से हम लोग जाने वाले हैं। ये हमारा मैगी भाई है। हेलो मैगी भाई, ज़बरदस्त एकदम गाड़ी चलाता है, गाने तो भाई साहब ऐसे लगाता है कि आप लोग अगर इनकी भाई की गाड़ी में बैठ जाएंगे तो मज़े ही आ जाएगा आप लोगों को। ये हमारे सचिन भाई हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा लाचेन है, यहाँ से हम लोग निकलेंगे और यहाँ से हम लोग चलेंगे आपका सबसे पहले जाएंगे काला पत्थर। आगे नहीं बैठ सकती हैं आप, आगे शूट करना हमें, वो कल से प्लान है। ये देखिए मैम हमारे साथ हैं, भाई का भाई अपना नाम बताओ। दिव्य। हाँ भाई इलाहाबाद से है और हमारी पूरी टीम जो है वो आपका यूपी 65 से है। ये देखिए ये हमारा रोहित भाई है, आपका शुभ नाम बताइए। शोभित भाई कैमरा मैन है, ठीक है। अभी फिलहाल अब कैमरा हमारे हाथों में, लेकिन भाई एक्सपर्ट है। ये हमारे नमवागा यार बुला के लियो, रमेश भाई हैं और ये हमारे सचिन भाई हैं। अवधेश जी, अवधेश गुरु भाई ना करके हाय करके, ठीक है। हमारी जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू हो रही है, लगभग यहाँ से हम लोग चलेंगे आपका। अभी 5:30 इस वक्त बज रहा है, टाइम आप देख सकते हैं 6:45 हो गया है, हमें 5:30 बजे निकलना था, 15 मिनट लेट है। हम लोग यहाँ से चलेंगे और हमें वहाँ जाना है, वो देखिए देख रहे हैं ऐसी वादियाँ, यहाँ हमें जाना है और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अब चलते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो दर्शकों आप देख सकते हैं अब हम लोग निकल चुके हैं लाचेन से, जबरदस्त जगह है एकदम। और ये हमारा मैगी भाई है, गजब की गाड़ी चलाता है, अभी आपको दिखाऊंगा। अब गाय के घर वीडियो को मिस किया तो आप लोग बता रहे हैं हम आशीर्वादियों से वंचित रह जाएंगे, ये आपकी गलती होगी हमारी नहीं। प्रिय दर्शकों ये देखिए हम लोग इस जगह पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए। जगह देखिए आप, दूध की तरह सफ़ेद है ये, बिल्कुल दूध की तरह। पानी आ रहा है, ये देखिए ज़बरदस्त। वो हिमालयन चोटी जो आप देख रहे हैं पीछे वो आपका कंचनजंगा पर्वत है। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये यूज में है, डस्टबिन डालना है, ये टॉयलेट है। अब टॉयलेट की एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कोई है नहीं, आपको सेल्फलेसली मतलब स्वयं से आपको पैसे देने हैं अपना यूसी, 10 रुपये यहाँ पे टॉयलेट का लगता है। हम लोग यहाँ पे रुके हुए नाश्ता करने के लिए। ये देखिए यहाँ चल रही है फुटबाजी, अरे उड़ना नहीं है भाई, भाई हमारा उड़ने के लिए तैयार। सो डियर फ्रेंड्स वी हैव स्टॉप हियर फॉर ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पे देसी जो पुराना टेक्निक होता था चूल्हे का, चूल्हे पे सारी चीज़ें बन रही हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो चूंकि रिमोट लोकेशन है यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कॉस्टली हैं। ये नाश्ते मिलेगा आपको ब्रेड बटर चाय, हमारी पूरी टीम इस टाइम चापे पड़ी है, ठीक है। ये देखिए मैगी भाई के साथ हम लोग घसी वादियों में आ गए हैं, ये घसी वादियाँ आर्मी की ट्रक जा रही है। भाई लोग हाय, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हम आप
एक्साइटमेंट हम शो नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा मजा आ रहा है। पीछे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। मजे में है एकदम? सब मजे में है, सब लल्लन टॉप है। क्या है? लल्लन टॉप। खूबसूरत ब्रिज का नजारा लीजिए आप लोग। ये जो ग्लास है अपना पानी थोड़ा हम लोग गया हम लोग ने गाड़ी, क्या नदी है हमारे साथ। इस नदी का पानी दोस्तों हमने टेस्ट करके देखा है, आई थिंक -2-3 डिग्री होगा इसका टेम्परेचर। आर्मी संदेश आते हैं, तड़पाते हैं। ये पूरा दोस्तों आर्मी एरिया है, यहाँ पे शूट करना ठीक नहीं रहेगा। तो प्रिय दर्शकों ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो डोसा पॉइंट है, मतलब दुनिया में इससे ऊंचा कहीं कोई डोसे की दुकान नहीं मिलेगी आपको। ये आपका डोसा पॉइंट है, ये देखिए, ये आपका वर्ल्ड हाईएस्ट डोसा पॉइंट, डोसा बाय द वे। एज पर जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से यहाँ से ये विश्व का सबसे ऊंचा डोसा पॉइंट है। अब कितना बड़ा मिलता है तो मालूम नहीं, मुझे तो बंद दिख रहा है, आई थिंक इट्स क्लोज्ड फॉर नाउ। तो देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ जाने के लिए, सभी डोसा खाने के लिए लोग रुके हैं लेकिन निराश होकर जा रहे हैं क्योंकि डोसा पॉइंट खुला नहीं है। हम लोग आज उस जगह हैं जहाँ सोचते थे कि मतलब पहुंचे, तो पहले टीवी में मतलब देखते थे कि इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ है, सुंदर सड़क है, झरने हैं। आर्मी और मिक्स मूवी आती थी उसमें, आर्मी और मिक्स मूवी आती थी उसमें ट्रक चलता रहता था, थांगू वैली ये सब मतलब खाली सुनते थे। आज उस जगह पे हम लोग हैं, बैठे हैं, उस धरती पे खड़े हैं। सुनने में, टीवी में, देखने में और सचमुच में होने में इतना डिफरेंस है, मतलब फीलिंग समझाया नहीं जा सकता। कैसे लोग यहाँ के आर्मी लोग स्ट्रगल करते हैं, कैसे बेचारे रहते होंगे, कैसे रहते हैं और कितने ज्यादा कठिनाई में वो अपने लाइफ को जीते हैं। आज समझ में आ रहा है कि यहाँ सांस लेना मुश्किल है, हम लोग 10 मिनट गाड़ी रुकी है और ये बेचारे यही रहते हैं। और यही रीजन है कि हम लोग आर्मी कितना रिस्पेक्ट करते हैं। करना ही पड़ेगा भाई, करना ही चाहिए। हम लोग जो 1-2 घंटे के लिए आ रहे हैं, हालत खराब है, उनको 24 घंटे भी ड्यूटी देनी होती है। कर्म ही धर्मा द बिहार रेजिमेंट। आप देखिए कैसे रास्ते हैं, किस तरीके से नया पुल यहाँ पे बन रहा है। आप रास्ते का एंजॉय के लिए, ये जो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं काला पत्थर, यहाँ पे आपका मेन रास्ते का ही मजा है। जो रास्ता है वो आपका एकदम दिन बना देगा। हाँ, जिसको भैया पहाड़ वहाड़ में जाने में दिक्कत हो कृपा करके ना आए, ठीक है, शरीर से आप फिट होंगे तो ही यहाँ पे चल पाएंगे। ये देखिए आप चढ़ाई देखिए, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इधर के रास्तों का क्या काम व्यवस्था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है तगड़ा। अरे बाप रे, पूरा धुआं निकल गया गाड़ी का, ये देखिए पूरा धुआं निकल गया गाड़ी का। ऐसे रास्ते हैं, ऐसे दुर्गम रास्तों पे अगर आप बनारस में 48 डिग्री टेम्परेचर में एकदम पक गए हैं तो ये सिक्किम की हंसी वादी आपको बुला रही है। पूरा फिट होके आइए योगा वोगा करके, तब जाके आप इन हंसी वादियों का आनंद ले पाएंगे सही से। क्या बात है भाई साहब, में देखते थे ना टीवी में, पहले कौन सा सीरियल आता था उसमें दिखाता था, मिशन कश्मीर जो पिक्चर देख रहे थे, नहीं कौन सी थी, कारगिल मेले उसी में ऐसे दिखाता, फूल खिला है, फूल हंसी वादी में हंसी हंसी फूल। अरे कारगिल गाना, हाँ भाई ये बताइए आप कैसे कैसे यहाँ पे काम किए हैं, कि हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे VGR ब्लॉग में और यहाँ पे आपकी पॉपुलर करेंगे कोशिश करेंगे कि आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें कहाँ से तुम्हारे बना रहे हैं।
देखिए दर्शकों, जबरदस्त जो सीन है वो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे कैमरे के माध्यम से। ये देखिए टीम के बंदे हमारे थक गए, कहा थकी लगा, थके नहीं है, ऑक्सीजन लेवल लो है भैया, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफी लो है। देखिए लोग ऑक्सीजन लेके यहाँ पे आते हैं, देखिए खत्म हो गया फेंका हुआ है, यहाँ फेंकना नहीं चाहिए, वैसे इनको लेके वापस साथ में जाना चाहिए था, गलती की है। दोस्तों सांस एकदम फूल रही है, आइए फिर भी हम लोग जान दे के बर्फ में कूद के रहेंगे, जो होगा सो होगा देखा जाएगा। बहुत पैसा खर्चा करके आ गए, बहुत पैसा खर्चा हो गया है, ठीक है उसको वसूल करना है। ये देखिए रेडी जाएंगे, एक मिनट रुकिए, हमको ऊपर आने दीजिए, ये देखिए चढ़ना और उतरना दोनों ही बहुत भारी दुर्गम काम है। हाँ, हमको मत ढकेल दीजिएगा नहीं तो लट जाएंगे हम, ठीक उनको जाने दीजिए। दोस्तों इट्स वेरी मुश्किल रास्ता, बट आई विल मैनेज। आ ही गए गुरु, हर हर महादेव, अब रुक जा, हर हर महादेव कर रहा था। अरे यार पैर घुस गया गुरु, पकड़ा जल्दी पकड़ा यार, भीजा था मालिक, चालू है कैमरा चालू। ये मेरे विकास गुरु हैं और ये उनको मना कर यार, अजय सर के विकास सर यार, रोहित सर मार यार, गुरु एक प्रो ले दी होते यार, रुका राम पर उसे हटा 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 निकाला, ये है ऑक्सीजन, ए कहाँ का सिलेंडर कहाँ गल, रमेश सर जी कहाँ भगला मारी तू, ये बर्फ का चादर। YouTube ब्लॉगर के साथ है, बोलो भारत माता की जय, तीन बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, लाला वाला हुकसी, बोले बोले, अरे दम लगाइए थोड़ा, भारत माता की जय। ये देखिए ये हमारा धुरंधर भाई, आवाज जल्दी, आइए भाई शुरू है, हाँ आवाज एक शुरू हुआ, हाथ ऊपर हाथ ऊपर। तो प्रिय दर्शकों ये देखिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर आनंद, एकदम आ गया है मजे, मजा ही आनंद है साहब, आनंद है, आनंद है एकदम, कोई जवाब नहीं है जो आनंद है भाई साहब। कासन जी भाई कूद के मजा आया ना, बहुत मजा आया एकदम स्लाइडिंग करके, इसी पे से दोस्तों अभी सरकते हुए हम लोग आए हैं, वीडियो आप लोग देख ही लिए होंगे। मारा मर दवा मारी हुई, अरे यार क्या चल गया यार, कमर के नीचे क्या चल गया, सरवा कमर के नीचे बमबारी हुई, लो जम गया
सेल्फी स्टिक लिया ली? नहीं लिया ली। तुम वहाँ हो? यार यहाँ हो? हाँ। आ गुरु हम बताओ थी क्या करेगा रुका? एंजॉय लेते रहिए, निपटाते रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका रेंज, हिमालयन रेंज। और ये देखिए हिमालय से पानी निकल रहा है। ये देखिए एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में ये जो गाड़ियां यहाँ पे चलती हैं ना, आवाज में सुना ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर्मी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड है, यहाँ से आदमी उड़ते हुए जा सकता है। सोचिए इस वीराने एरिया में पूरी आर्मी कैसे रहती होगी। और जहाँ मैं अभी निकला था बता रहा हूँ, हम लोग अभी गाड़ी के अंदर हैं, यहाँ का टेम्परेचर मुझे लग रहा है माइनस माइनस में है। ठीक है सर, एकदम दर्द कर रहा था भयंकर, अभी जस्ट बाहर निकले थे हम लोग फोटोशूट के लिए। ये देखिए जो मोटर ब्लॉगर लोग हैं चापे पड़े हैं। देखिए दर्शकों, ये देखिए यही जिंदगी का मजा है। अगर आपने इस रोड पर सफर कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी सफल है, जीवन सफल है। आप पहाड़ देखिए, ये जो पहाड़ है ये हमें बुला रहा है, आओ आओ जो बनारसी हो ये बिहारी हो जल्दी पहुंचो। बाहर बता रहा हूँ टेम्परेचर इतना कठिन है, मतलब समझ लीजिए कि कान एकदम दर्द करने लग रहा है, इतना कठिन है। तो इस विषम परिस्थितियों में आप आइए एक बार जीवन का एक्सपीरियंस लीजिए और बदल जाएगा आपका जीवन। ये देखिए बहुत ही लंबे समय से हम लोग होते आ रहे हैं और स्नो डेजर्ट जो कि लग रहा है समाप्त नहीं हो रहा है। लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा करते हुए हम लोग आ गए हैं और ये स्नो डेजर्ट जो है समाप्त ही नहीं हो रहा है, इतना लंबा है और गजब का नजारा है। अब देखिए हम लोग एकदम मंजिल के करीब है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको माइलस्टोन दिखेगा। ये देखिए गुरु दोनमर्ग आपका आ गया, सिर्फ 2 किलोमीटर बचा, 2 किलोमीटर ओनली, 2 किलोमीटर। वी आर सो एक्साइटेड टू सी द प्लेस ऑफ बर्थ। दोस्तों 1 किलोमीटर टू गो, ये देखिए गुरु दोनमर्ग 1 किलोमीटर। ये रास्ते कितने विषम है, आप सोचिए रास्ते कितने इसके विषम है। अब सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है और वो देखिए गाड़ियां आप देख रहे हैं, देखिए ऊपर गाड़ियां चढ़ रही है, वहां जाना है। दोस्तों अब यहां से शुरू होगा वो कठिन सफर, यहां पे गाड़ियां जो है वो अटक जाती है क्योंकि सीधी चढ़ाई है। यहीं से दोस्तों हमारा जो रास्ता है वो मिलेगा, देखिए इंदिरा गांधी यहां पे होती है। मना कर रहा था कि बोल रहा था बनाओ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए धरती का स्वर्ग, रास्ता देखिए रास्ता। दिस इज सो एडवेंचरस। अगर रियल एडवेंचर आपको देखना है यहाँ आपको जरूर आना चाहिए एक बार। ये देखिए, ये देखिए आप, कोई रास्ता नहीं है, अपने से रास्ता बना के जाएगा। ये देखिए जहाँ से लग रहा है भाई निकलना चाहिए रास्ता बना। ये देखिए दोस्तों, इसी नज़ारे के लिए हम लोग इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए, इतना पैसा फूके। अब आप ये रास्ता जो है ये पूरा मैं आपको दिखाना पड़ेगा मुझे,
क्योंकि और ये ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा मैदान है कि जहाँ पर गाड़ी चला के सीखा भी जा सकता है। अगर यहाँ पे आप गाड़ी चला पा रहे हैं, समझ लीजिए कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्राइवर हैं। और ये हमारा मैगी भाई है, यही हमें पहुँचा रहा है। दोस्तों इस विषम परिस्थिति में आप देखिए, ये देखिए, आप रास्ता देखिए। अगर इस रास्ते पे आप गाड़ी चला पाएंगे अपने किस जीवन में कभी भी, तो जान लीजिए कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्राइवर हैं। और हमारा जो भाई है वो ये है, और ये हमारी टीम। हेलो भाई, सर्वर दर्द कर रहा है? वेरी वेरी। देखिए रमेश सर, पूरा कपूर का डब्बा ही सूख गया है। लोग एक तो सूख रहे हैं, डब्बा सूख गया है। अद्भुत रास्ता है भाई साहब, अदभुत अद्भुत अदम में अप्रतिम। अब चूंकि हम लोग काशी वासी है तो हिंदी का शुद्ध उच्चारण हम लोग करेंगे। अब दोस्तों वो देखिए सामने गाड़ियां लगी हैं, वहीं हमें पहुंचना है। हवा का झुकाव दोस्तों बहुत चौचक आ गया है। भाई साहब ये असली ग्लेशियर है, ये देखिए। अरे बाप रे बाप, इधर इधर से निकाल भाई, इधर से निकाल भाई। अटक गई गाड़ी, गाड़ी अटक गई। निकल गए। अच्छा, अरे बहुत बड़ा गड्ढा है भाई, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, इसीलिए अटक रही है। इधर से लेगा, हम लोग थोड़ा लाइट में दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी विषम परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों डर के आगे जीत है भाई साहब, एकदम फटी पड़ी हम लोगों की। देखिए पूरा गाड़ी तो एकदम फटी पड़ी है, वो देखिए पूरा धुआं दे दिया गाड़ी। और मैगी भाई नहीं रहता तो हम लोग गुरु नहीं पहुंच पाते यहाँ। बहुत अच्छा, ये हम लोग पसीना आ गया, लेकिन मैं भी भाई एकदम जबरदस्त करेंगे स्किल दिखाते हुए आपका। दोस्तों माइनस हमको लग रहा है 20-20 है क्या यहाँ पे, सर्वर एकदम फट रहा है। मतलब ये देखिए आप बर्फ देख के समझ रहे हो कि यहाँ क्या टेम्परेचर होगा। ये देखिए पूरा ग्लेशियर है, पूरा ग्लेशियर है भाई साहब। मजा आ गई लो, मजा आ गया मैंने चला दी। चढ़ा दे भाई, चढ़ा दे, चढ़ा दे, नहीं अपना पार्किंग उधर है। अरे भाई साहब, हिंसा दे, हिंसा दे, पवित्र स्थल, पवित्र स्थल। देखिए दोस्तों हम लोग इधर के सबसे पवित्र स्थल पे आ गए हैं। ये नजारा देखते ही आप मतलब उतरे हो। एकदम स्वर्ग है, ये देखिए साहब, आप देखिए दोस्तों यहाँ बात करना मुश्किल है, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज।
और यहाँ पे सांस भी फूल रही है, माइनस मुझे लग रहा है 20 होगा, यहाँ सांस लेना मुश्किल है दोस्तों, एकदम बता रहा हूँ। यहाँ पे मतलब खड़े हो पाना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, सांस फूल रही है, आवाज़ मतलब निकल नहीं रही है। और एरिया आप देखिए, एरिया देखते ही आप लोगों का मतलब जी खुश हो, बहुत तेज हवा चली दोस्तों। ये देखिए, इसी नज़ारे के लिए, इसी नज़ारे के लिए दोस्तों लोगों ने इतना पैसा फूका, इतनी मेहनत करके, इतने विषम विषम परिस्थितियों में हम लोग आए हैं। तो आप लोग से निवेदन है दोस्तों, चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इतनी मेहनत देखिए आपके लिए किया हूँ मैं। ये देखिए ये नज़ारा दोस्तों, कहाँ पर आपसे मिल पाएगा, ग्लेशियर देखिए आप, ग्लेशियर चारों तरफ 360 व्यू देखिए। ये हमारा वीडियो बनाते हुए, और ये हमारे ये रमेश भाई, हाँ बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त।